खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बिहार के आरा लिए चलते हैं आपको, आपको एक शादी में लिए चलते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री झा की रिपोर्ट देखिए और महंगे प्याज की महिमा समझिए। बिहार के आरा में एक शादी समारोह में पहुंची एबीपी न्यूज संवाददाता निधिश्री झा। यहां शादी से पहले हल्दी की रस्म की पार्टी हो रही है। इस पार्टी में जो व्यंजन परोसे जा रहे हैं वो देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाए, लेकिन हकीकत ये है कि इन पकवानों में प्याज का इस्तेमाल नहीं के बराबर हो रहा है। आज एक खास जगह पर मैं मौजूद हूँ, मैं आरा के एक घर में आई हूँ जिस घर में शादी है और ये प्याज मेरे हाथ में है और इस प्याज का दाम आरा में 120 रुपए किलो है, यानी कि लोग 120 रुपए किलो प्याज खरीद रहे हैं। और पीछे आप देखिए खाना बन रहा है, आयोजन है, जलसा है, इनके घर में शादी है, इसलिए ये जो हलवाई है वो फिलहाल बैगन के पकौड़े तल रहे हैं, कढ़ाई में बैगन का पकौड़ा जो है वो छन रहा है। सब्जियों में क्या प्याज आप लोगों ने डालना कम कर दिया है? बहुत कम हो गया है, प्याज बहुत कम हो गया है। लेकिन ये बारात आती है किसी के घर में या बारात जाती है, जिसके घर में फंक्शन होता है, शादी की तैयारियां होती है, वहाँ तो लोग नहीं मानते हैं? नहीं नहीं, वहाँ पे तो कोई नहीं मानते हैं। कहने का मतलब यही है कि जो पनीर, जो सब्जी, जो प्याज जो जहाँ ज्यादा लगता था वो आइटम हम लोग हटा दिए हैं और मिक्स वेज सब्जी जो जिसमें प्याज कम लग रहा है वही हम लोग सब्जी अपना बनाना शुरू कर दिया है। आपने सुन लिए पकवान बनाने वालों को, लेकिन अब आपको इस पार्टी में क्या क्या बना है वो दिखाते हैं। यहाँ आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे प्याज की महिमा। इसमें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से जितनी चीजें जो खाना है उसमें कहाँ किसमें प्याज पड़ने की संभावना है। ये आलू गोभी की सब्जी इसमें है और इसमें प्याज जरूर होगा क्योंकि बिना प्याज के सब्जी का जायका बिगड़ सकता है। चावल है लेकिन चावल के साथ पकौड़ा है, जैसा कि हलवाई बता रहे हैं कि इसमें प्याज पड़ने की संभावना कम होती है और बिना प्याज के भी ये टेस्टी बन जाता है। चूंकि शादी है, घर में रस्म चल रहा है और इस वजह से ये प्याज है। खीर है, पूरी आप देख सकते हैं। इसके अलावा रायता है, इस रायते में भी प्याज नहीं डाला गया है, दाल है और इसके साथ दूसरा दाल। तो ये चूंकि आपको इस टेबल पर जितना भी खाना रखा हुआ है जो आज का मेन्यू, उसको देखकर अंदाजा लग गया होगा कि प्याज जिसमें कम इस्तेमाल हो उसकी कोशिश ज्यादा की गई है। अब आप मिलिए उनसे जिनके बेटे की शादी होने वाली है और जिन्होंने ये पार्टी दी है। प्याज तो आग लगाए हुए है, प्याज प्लेट से सब खत्म हो रहा है। आज हमारे यहाँ फंक्शन है, बेटे की हल्दी है और प्याज के अभाव में बहुत सारी चीज नहीं बन पाए हैं। इतना महंगा सरकार बराबर चिल्ला रही है कि तुर्की से मंगा रहे हैं, ये हम सुन रहे हैं 15-20 दिन से और आज तक जब से बोला कि तुर्की से मंगा रहे हैं प्याज का भाव और बढ़ता ही चला गया। जैसे मेहमान है उनको नाराज भी नहीं करना है, पता चला कि वो नाराज हो गए, वे बिना प्याज के तो टेस्टी खाना नहीं है। ऐसा भी है ये भी है, लेकिन उसके जगह पर देखिए सलाद होना बहुत आवश्यक है, उससे प्याज खत्म है ना। तो प्याज के अभाव में तो गरीबों के लिए या मिडिल मैन के लिए ये तो बहुत मुश्किल होगी। के लिए संभव है वो प्याज खरीद रहे हैं आज भी 120 रुपए किलो भी भले क्यों ना। हाँ, वेडिंग सीजन है और इस समय वैरायटी ऑफ डिशेज बनते हैं जिसमें मोस्टली आज की तारीख में जायका बढ़ाने के लहसुन और प्याज का प्रयोग होता है। अब प्याज इतना कॉस्टली है, पर्टिकुलरली हम नॉन वेज की अगर बात करें तो उसमें बिना प्याज के तो बनना नहीं है। तब जब नॉन वेज में मुर्गा मिल रहा है हमको 120 रुपए 30 रुपए, अब प्याज 120 रुपए, किसमें क्या मिलाया जाए? सही बात है, सबसे आश्चर्य की बात है। मतलब चिकन में प्याज मिलाया जाए, प्याज डालकर सब्जी बनाई जाए, चिकन बनाया जाए या प्याज में चिकन डाल, क्या डालें हम? जायका बदल गया है, जायका खत्म हो गया है खाने का। और दूसरे हम गेस्ट जो आ रहे हैं उनको एक्सपेक्टेशंस हैं, वेडिंग में जाएंगे तो आज हमको थोड़ा सा नॉनवेज स्वाभाविक है। आज नॉनवेज बनाए क्या? आज नहीं बना है, नहीं बन पाया। प्याज महंगा है, महंगाई बढ़ गई है। बिल्कुल महंगाई बढ़ गई है और घर घर से ये प्याज जो है सचमुच में आंसू निकाल रहा है। पहले प्याज से आंसू आ जाया करते थे, अब आंसू टपक रहे हैं। मेजबान है जिनके सर पर होस्ट करने की जिम्मेदारी है, उनके लिए बड़ा मुश्किल घड़ी है कि प्याज की वजह से जायके को भी बरकरार रखना है और प्याज महंगा, ऐसे में घर का भी बजट संभालना है। तो ये दोनों चीज के बीच फिलहाल इस घर में शादी और शादी के बीच प्याज ने किस तरीके से घर में एंट्री ले ली है वो तस्वीर भी आपके सामने है। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज आरा।
प्रतिमा, घर में शादी हो तो सबसे बड़ी चर्चा खाने को लेकर होती है, खाना जायकेदार होना चाहिए, लेकिन प्याज के बिना क्या आएगा जायका? ये जो लापरवाही के सिस्टम ने प्याज को रुलाया है, इसके पीछे की गणित क्या है, क्या वजह है, समझिए आप। बफर स्टॉक पे पड़े 57,000 टन में आधा प्याज सड़ गया, माफ कीजिएगा 57,000 टन, मतलब कि इतना जो प्याज था वो सड़ गया। राज्य सरकारों से डिमांड नहीं आई और स्टोरेज ठीक से हो नहीं पाया वक्त में। केंद्र सरकारें कह रही कि राज्य सरकार ने मांगा ही नहीं उनसे प्याज। अप्रैल में 1.5 लाख टन का बफर स्टॉक तैयार हुआ था, लेकिन ये बात अप्रैल की थी, कई महीनों पहले की थी। कुछ महीनों में स्थिति ऐसी हो गई कि 20 से 120 रुपए किलो पहुंच गया प्याज। जी हाँ, कुल मिलाकर सरकारी सिस्टम में गड़बड़ी के कारण प्याज को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, स्टोरेज में पड़ा पड़ा प्याज सड़ गया है। आरा की आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं, हमारी संवाददाता निधिश्री जहा यहाँ के एक रेस्टोरेंट में पहुंची और निधि की बात हुई रेस्टोरेंट के मालिक से, खाना खाने आए, हर उम्र के लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। आप इन सबको सुनिए और समझिए प्याज ने हर वर्ग पर कैसे असर डाला है। प्याज के दाम ने शतक को पार कर लिया और आम लोगों की उम्मीदें धरी की धरी रह गई है। बिहार के आरा शहर में मैं मौजूद हूं और एक रेस्टोरों के अंदर तमाम लोगों से मैं बात करूंगी और इस रेस्टोरों के जो ओनर है उनसे भी बातचीत होगी। मुद्दा सिर्फ प्याज है, क्योंकि 1.5 महीने से प्याज ने मानो कहर बनकर किचन में टूट पड़ा है, लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर रहा है। और सबसे पहले जो कि रेस्टोरों ओनर है, आप लोगों से ये बातचीत है कि प्याज का दाम तो कम हो नहीं रहा है, आप लोगों के लिए किस तरीके की दिक्कत है, क्या रेट कम कर दिए हैं जो खाने का रेट है वो? रेट तो कम नहीं किया सकता है, रेट तो फिक्स है, भले प्याज 100 या 200 का क्यों ना हो जाए, कस्टमर तो पैसा देगा नहीं, भले कस्टमर कम आ रहे हैं आजकल प्याज की वजह से, घर में तो खाना बनाना लोग कम ही कर दिए हैं, इसलिए बहुत सारे कस्टमर होटल का में ही आकर खा रहे हैं, इसलिए होटल में तो क्वांटिटी कम नहीं किया जा सकता है। नॉन वेज हो वेज हो प्याज तो डालना ही है, चाहे प्याज 100 रुपये हो या 200 रुपये हो, प्याज तो डालना ही है। अगर प्याज क्वांटिटी कम कीजिएगा तो कल के लिए रेस्टोरेंट दिक्कत हो जाएगा कस्टमर के लिए, इससे सारे कस्टमर मैक्सिमम हमारे होटल में ही खाने के लिए, मार्केट में बहुत सारे दुकान पर प्याज मिलने रहे हैं, इसलिए प्याज के लिए भी मार्केट में जाना पड़ता है। और प्याज आज भी तो की स्थिति है कि आज के 100-125 पता नहीं चल रहा कब तक कि प्याज का रेट बढ़ता रहेगा, इसके वजह से बहुत सारे खाने में कठिनाई हो ही रही है। प्याज का दाम इतना ज़्यादा सर चढ़ के बोल रहा है ना कि हम लोग का तो किचन में हालत ख़राब है। पहले जो एक बार में आता था 5 kg, अब सीधे आ रहा है आधा हो गया, 2.5 kg आ रहा है, बहुत कॉन्सेशन करके हाँ चलना पड़ रहा है। रेट भागता जा रहा है ऊपर, लगता है कि 200 रुपये किलो होना ही है, लेकिन क्या करें हम लोग, यहाँ आए तो खुश खाना में टेस्ट मिला हमको। हाँ, चूंकि नॉनवेज में बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया गया, प्याज को टेस्ट अच्छा। हाँ, लेकिन आप तो घर पर ले प्याज हम लोग खरीदते हैं, लेकिन पॉकेट तो है, 200 रुपये किलो प्याज हम लोग लेंगे, उससे बढ़िया है कि हम लोग 200 रुपये में यहाँ खाना खा लेंगे, यही तो बात है। बोला तू आपसे ये सवाल है, आपसे ही सर ये सवाल है कि घर पर जैसे पत्नी ने कहा कि भाई आज 5 किलो प्याज ले आइए, तो अब क्या संभव है कि एक बार में 5 किलो प्याज आप घर पर लेकर जा सकते? संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। 500 ग्राम हम ले जाने में असमर्थ हैं, 5 किलो तो बहुत दूर की बात हो गया। प्याज चाहे कोई जॉब भी कर रहा हो उसके लिए भी 100 रुपए पे तो बहुत, मतलब गरीबों को तो बहुत प्रॉब्लम होगी, किसान के लिए भी उसको बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि अदर कोई भी मतलब सोने की तरफ भाव भागते जा रहा है, कोई सोना खरीदे उससे प्याज के भाव सोने के बराबर हो गए। ऐसा है क्या कि सिरके वाला प्याज भी ऑर्डर करती हैं? वही तो बता रही हूँ कि मैं प्याज, हम लोग सिरके वाला भी यूज करते थे, लेकिन आज के डेट में वो प्याज मतलब बहुत महंगाई हो गया है। देखिए, मैं आपको जो टेबल पे रखा हुआ है छोटे छोटे प्लेट्स में सिरके वाला प्याज, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, वो सिरके में प्याज है और वो टुकुर टुकुर देख रहा है, क्योंकि वो सवाल है, क्योंकि वो बड़ा ही हास्यास्पद है ये। लेकिन देखिए कि ये सिरके वाला प्याज भी लोग जब रेस्टोरेंट आते हैं तो खासतौर पर ऑर्डर करते हैं, लेकिन प्याज चूंकि महंगा है और 100 से 120 रुपए आरा में भी प्याज बेचा जा रहा है और रेस्टोरेंट मालिक के लिए तो दिक्कत है ही, आम लोग जो खाने आ रहे हैं। तो तस्वीर इस तरीके की है कि चाहे कोई भी शहर हो, आप शहर बदल ले, शहर शहर प्याज का दाम कहर बरपा रहा है। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज आरा। प्याज खाने की चीजें सजावट की चीज ज्यादा नजर आ रही है। अब आरा में ही निधिश्री जा पहुंचे एक ऑमलेट बनाने वाले की दुकान पर, महंगाई की वजह से इस ऑमलेट बनाने वाले को अपनी कीमत बढ़ानी पड़ी, ऑमलेट की कीमत बढ़ानी पड़ी, लेकिन इसका असर उसकी कमाई पर पड़ रहा है। दिसंबर महीना शुरू हो चुका और जो प्याज लगभग इस महीने में 30 से 40 रुपए तक बिकता था, वो प्याज
दोगुने से भी ज्यादा दाम में बिक रहा है। आरा में ही मैं मौजूद हूँ और प्याज का दाम बढ़ने से किस तरीके का असर पड़ रहा है? चूंकि ठंड बढ़ गई है, लेकिन जिस तरीके से प्याज के दाम बढ़े हैं, लोगों को बुखार आने शुरू हो गए हैं। ये ऑमलेट की दुकान है, अंडे की दुकान आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ऑमलेट बना रहे भाई साहब। क्या नाम है? कौसर अली। कौसर अली, ये बताइए, अंडे में प्याज डालना छोड़ा तो नहीं आपने? छोड़ा तो नहीं है, मगर रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। कितना है अभी? कितना रेट है? 100 रुपए केजी है अभी। 100 रुपए जी। अच्छा, तो ये बताइए कि ऑमलेट का दाम बढ़ाया आपने? ऑमलेट का दाम बढ़ गया है ना, मगर हम लोग क्या कर सकते हैं। कितना बढ़ाया? ऑमलेट का 2 रुपए रेट बढ़ाया है, 10 रुपए हो गया एक ऑमलेट का। हाँ, तो लोग 10 रुपए का ऑमलेट खाने आ रहे? बहुत कम कस्टमर आ रहे हैं अब। हाँ, पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है अब। ये बताइए कि ये ऑमलेट में तो प्याज तो कम पड़ता है? हाँ, कम पड़ता है, मगर जो डालना है तो डालेगा ही आदमी। लोग कम प्याज के नहीं खाएंगे? नहीं, बिना कम प्याज के कोई खाएगा नहीं। ऐसा है क्या कि प्याज का दाम बढ़ गया तो लोग बॉइल्ड अंडा खाकर ही काम चला रहे हैं? हाँ हाँ है, ऐसा बहुत लोग ऐसे हैं। हाँ, ऑमलेट का रेट सुन के भड़क जा रहे हैं। हाँ, 10 रुपया है, ठीक है, नहीं बॉइल दो हमको, बॉइल्ड ही दो। हाँ, ऐसा हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। अब उम्मीद क्या आपको लग रही है कि प्याज का दाम कम होगा तो लोग बढ़ेंगे? हाँ हाँ, प्याज के रेट कम हो जाएगा तो बहुत कस्टमर बढ़ जाएंगे। ये दिन भर में कितने की आपकी बिक्री हो जाती थी पहले? पहले हो जाती थी 1000-1200 की। हाँ, अब पहले से कम हो गया है, लगभग आधा। आधा? हाँ हाँ हाँ, पहले से बहुत कम हो गया है। आधा मतलब मैं कहूँ 500 से 600 के आसपास? 600 के आसपास में हो जा रहा है। 600 के आसपास बिक्री जी। आधा का नुकसान हो गया आपका? हाँ हाँ, प्याज के रेट बढ़ने से सिर्फ। प्याज के रेट जी। आप परेशान हैं उससे? बहुत परेशानी है। हाँ, पहले की अपेक्षा बहुत परेशानी है। घर में ये समझा पाते घर वालों को कि प्याज का दाम महंगा हो गया इसलिए बिक्री कम हो गई? हर लोग घर में भी वही हाल है, सब लोग वही बोल रहा है ना कि प्याज के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है।